वादे के अनुसार आज वो दिन आ चुका है जब मैं आप लोगों को अपनी फिजिक का सबसे पहला अपडेट दूंगा, जो कि बहुत टाइम नहीं लगा हमें, ओनली 18 डेज बाद है भाई। तो चलो आओ देखते हैं कि मेरी बॉडी कैसी दिख रही है। बिकॉज गाइस कैमरा केवल एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारी बस हाइट और विड्थ दिखती है, इसीलिए हो सकता है आप लोगों को मिरर में कोई बहुत खास चेंजेस ना दिख रहे हो। बट एक चीज मैं आपको बिल्कुल श्योरली बताता हूँ गाइस कि मेरी बॉडी में अभी जो फिजिकल डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब मेरे को इतना फास्ट इतना अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। देखिए मैं मेरी मतलब यहाँ पे मेरा ये जो बेली का यही पोर्शन है ना, इसी से मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने काफी ऑलमोस्ट फैट लूज किया है। ऑलमोस्ट नहीं, काफी लूज किया, अभी ऑलमोस्ट वाले दिन नहीं आए हैं। ये देखिए आप, ये मेरी साइड प्रोफाइल है, इसको मैं पूरा फुला दूं तो भी इतना ही निकल रहा है, इतना। ये मैं अभी आगे आर्च कर रहा हूँ और अब मैं आप लोगों को बैक दिखाता हूँ। तो गाइस ये है हमारी बैक की कंडीशन, हम ठीक है, फ्लेक्स्ड है। लव हैंडल्स अभी भी बचे हैं बट बहुत थोड़े बचे हैं भाई, मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रॉमिस करके बता रहा हूँ। आप लोगों को बस कैमरे में इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा बट एक्चुअली में काफी डिफरेंस है। अब हम लोग देख लेते हैं मेरा आज वेट कितना आया है। सो गाइज आज का हमारा आया है 69.85 किलोग्राम्स, ठीक है। सो गाइज 69.85 हो सकता है आप लोगों को बहुत बड़ी अचीवमेंट ना लग रही हो, बट देखो भाई बात कैसी होती है ना, जब आप कुछ भी नेचुरली करते हो ना तो आपको इतना सा डिफरेंस देखने को मिलता है, विच इज कम्प्लीटली फाइन। ये चीज देखो, बॉडी तो चेंज हो रही है, होगी 100% होगी, बट इस डिफिकल्ट सी ट्रांसफॉर्मेशन को करते करते मेरा जो माइंडसेट चेंज हुआ है, मेरा जो डिसिप्लिन आया मेरी लाइफ में, वो मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं 22 में को मैंने अपने हम लोगों ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत की थी, तब मैं 73.15 केजी का था। अभी मुझे 22 में से लेके 9 जून करीब करीब 18 या 19 दिन हो गए हैं और आज मेरा वेट 69.85 किलोग्राम्स आया है। भाई हम लोगों ने ऊपर ऊपर 3.5 या कुछ केजी वेट लॉस किया अभी तक। इधर मैं लिखता जाता हूँ मेरा पर डे क्या प्लस में चेंज आया, माइनस में चेंज आया, क्योंकि कभी कभार कैसा होता है ना, आप एक दिन पहले जो खाते हैं वो आपको बॉडी आपको वही चीज रिफ्लेक्ट करती है। सो गाइज अब आ गया हमारा फर्स्ट मील ऑफ द डे का टाइम, जहां पे हम लोग 5-6 अंडे का ऑमलेट खाएंगे। तो मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद मुझे फटाफट ऑफिस जाना है। मैं ऑफिस से वापस आके आप लोगों को बाद में मिलता हूँ। आई सी यू ऑल। मेनी आवर्स लेटर। सो गाइज अब हम लोग ऑफिस से वापस आ चुके हैं, 7:45 बज रहा है। अर्चित भाई हमारे 8:30-8:30 बजे तक फ्री होंगे, तब तक भाई हम लोग रोज की तरह अपनी कॉफी पी लेते हैं। और भाई मुझे जैसे ही मैं वापस आया मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो आप जान क्या गेस कर सकते हैं इसके अंदर क्या था? जी हाँ बिल्कुल सही सोचा, हमेशा की तरह तंदूरी चिकन ही था। तो भाई चलो अब मैं फटाफट अपनी कॉफी पी लेता हूँ, फिर हम लोग जिम में मिलेंगे। और आज हम लोग जिम में बहुत बढ़िया बैक और बाइसेप का वर्कआउट करने वाले हैं। 4 हफ्ते हो चुके हैं, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़ी चल रही है ब्रो। इस बार तो भाई मैंने बिल्कुल, मुझे पता है मैंने आग लगा दी है, क्योंकि इस बार मेरा डिसिप्लिन और मेरी विल पावर दोनों एक्सट्रीम लेवल पे है। मतलब ब्रो आई कैन, मैं मुझे एक्चुअली मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कोई बॉडी बिल्डर, बट मैं आप समझ सकता हूँ कि उनका क्या माइंडसेट रहता है जब उन्हें स्टेज पे खड़ा होना होता है और वो जब प्रिपरेशन करते हैं। तो ब्रो हैट्स ऑफ टू देम, और बस ये डिसिप्लिन इज टीचिंग मी अ लॉट। एंड ब्रो गाइस थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी। आई विल सी यू ऑल इन द जिम इन सम टाइम। बाय। बम Powered by caffeine. 4 sachets since morning.
planning to go somewhere around 65 kilos this time. I think more than that. मैंने सोचा था कि मैं एक महीने करूँगा but now 3 months, 99%. सीधी कर, शोल्डर पीछे ले, ऐसा नहीं होता है। वैसे जो तू कर रहा है ना बीच में, वैसे कुछ नहीं होता। अरे इतने से कन्वेंशनली करना। और अंदर पकड़, और अंदर पकड़, हाँ शोल्डर पीछे, मेरे लैट पुल डाउन कर करके मेरी बाइसेप्स इतनी ज्यादा पंप हो गई हैं कि मैं अब लैट पुल डाउन में स्क्वीज भी नहीं कर पा रहा। फियर ऑफ जजमेंट, यू ओवरकम इट, योर फियर, यू कंप्लीटली लूज योर फियर ऑफ फेलियर। आई हैव मेड इन टोटल ऑफ मे बी 500 वीडियोज बाय नाउ एंड आई वोंट से आई हैव फेल्ड इन ऑल ऑफ देम बट द रीच आई थॉट आई डिड नॉट रिसीव इट, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट माई मेन मोटिव अबाउट सेइंग दिस सेंटेंस इज दैट आई हैव सीन फेलियर सो मेनी टाइम्स दैट आई डोंट फियर इट एनी मोर। आप जितना नेगेटिव बोलते हो, आप सामने वाले के लिए गंदगी नहीं फैलाते हो बट अपने ही आसपास अपने दिमाग में गंदगी फैलाते हो और कुछ। तेरे सामने गुरु खड़ा है बस तब झुक। यू मस्ट हैव सो मच ऑफ सेल्फ एस्टीम ना ब्रो दैट इफ एनीवन ट्राइज टू कम अप टू यू ना ब्रो इन एनी वेज, ये मत सोच दैट यू हैव टू बी अ नाइस पर्सन एंड टेल देम यस। इफ ही कैन स्पीक टू यू, इफ ही कैन थिंक कि अगर मैं उसको ये चीज बोलूंगा तो मैं उसकी नजर में नाइस नहीं रहूंगा, राइट? You must reciprocate him. Anyone who's in front of you. This is a mantra, bro. Please. इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं यार। जल्दी आना। भाई 10 बजे तक का देख। 10 बजे जा। इतना टाइम है भाई 10 बजे 10 10 मतलब 10। Always fight for your right.
मंथ्स आई कैन डू दिस एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे बेंच प्रेस करते वक्त एकदम से ऐसी इंजरी आई भाई, और मैं आज बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ कि मैं वापस ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ। रात को बिरयानी पार्टी इस संडे शायद चीट डे है मेरा, शायद ब्रो, नहीं तो अभी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने सुना है कि मतलब यू शुड ओनली कीटो में चीट लेते तो सब खराब हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट यू नीड चीट डे सो दैट तेरा इंसुलिन बीच में रिलीज हो और तेरी बॉडी को वापस समझ में आए कि हमारे को इंसुलिन पे काम नहीं करना है, हमें कीटोन्स पे काम करना है। पीपल टेक इट इन एवरी पीपल से वन वीक, डोंट टेक वन वीक। बेली पे लेके आ, सीधा भी उठ जैसे ओपिनियन में कीटो में आपको बस तब चीट करना चाहिए एक दिन के लिए जब आपका वेट ड्रॉप होना बंद हो जाए, ओनली भाई। ये मैंने पहली बार देखा है इस टायर्ड वाला। जब आप एकदम थक जाए तो आप ऐसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। This is a form of concentration curls where your body is completely locked. It was all a joke, guys. Yeah, it was a joke. So guys, I hope आप लोगों को वर्कआउट काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज अपनी बालकनी में ही बैठा हूँ क्योंकि ये नज़ारा मुझे बहुत कुछ बोलता है। देखो ये जो नज़ारा है ना भाई, ये नज़ारा मुझसे बात करता है, बस इसे देख के ही मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो गाइज़, आज असल में हुआ क्या कि आज फिर से मेरे घर में RRR चल गई जिसकी वजह से आज फिर से मुझे लेट हो गया और आज फिर से मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया कि मैंने क्या खाया। बट मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता देता हूँ, आज मैंने चिली चिकन खाया, बस नाम का ऑर्डर तो मैंने चिली चिकन खाया, ऑर्डर तो मैंने चिली चिकन ही किया था बट खाया मैंने मतलब मैंने लिटरली चिली चिकन में से उसके ऊपर की मैदे की कोटिंग हटाई, सब बस ऐसे ही कच्चा ही लग रहा था फिर भी। चलो खैर कोई बात नहीं। सो गाइज, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा भाई, और आप लोग जो लोग मुझे देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, थोड़ा मेरा भी विश्वास बढ़वाइए आप लोगों पे और मुझे थोड़ा मोटिवेट करिए आप लोगों के सपोर्ट से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक ज़बरदस्त व्लॉग में। I'll see you all tomorrow. Bye.